मुरादाबाद उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को मुरादाबाद डीएम द्वारा सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के निमंत्रण अधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक निरंतर उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की नींव नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक लगातार स्वयं से प्रयासों एवं सामुदायिक सहयोग से विद्यालयों की तस्वीर बदलने का कार्य कर रहे हैं, परंतु उसके उपरांत भी निरंतर देश भर के बेसिक शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? सर्वेश कुमार शर्मा मेरा नाम है। आज कलेक्ट्रेट पर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, क्या वजह है? देखिए, आज हम तो कई दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर लगातार कर रहे हैं। 5 सितंबर को हमने शिक्षक सम्मान बचाओ दिवस के रूप में मनाया, फिर 11 को ब्लॉकों पर धरना दिया, 12 को जिला विशेष अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया, लेकिन आज ये 13 तारीख को जो जिलाधिकारी कार्यालय पर था, ये हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले ये कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ में तमाम घटक संगठन हमारे हैं, वो सब शामिल हैं इसमें। क्या 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 मांगे हैं आपके संगठन? देखिए, मांगे ये हैं कि सरकार जो विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे चार दीवारी नहीं है, कक्षा कक्ष नहीं है, फर्नीचर नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं है, विद्युत नहीं है, पंखे नहीं हैं, शिक्षक नहीं है पूरे छात्र अनुपात में, और उसके बाद भी ये प्रेरणा ऐप लागू करना, तरह तरह के फरमान लागू कर रही है, अरे भाई टेबलेट नहीं दिया, आपने फ़ोन नहीं दिया, आपने सिम नहीं दिया, फिर अगर हमारे पास फ़ोन है या सिम है तो हमारे अपने पर्सनल यूज के लिए है, आपके लिए नहीं है, हमारी निजी संपत्ति है। कि सेल्फी देने की बात है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम उसका स्वागत करेंगे। पहले जो छात्रों के हित की मूलभूत सुविधाएं हैं विद्यालयों में, उनको पूरा करिए,